तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। इस फिल्मी डायलॉग से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन जब ये फिल्मी लाइन हकीकत में सुनने को मिले तो चौंकना लाजमी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ यूपी के गोंडा में देखने को मिला है, जहाँ एक बुजुर्ग राम धीरज को पिछले 11 सालों से अदालत से सिर्फ तारीख ही मिल रही है। दरअसल बुजुर्ग राम धीरज की माने तो उनका जमीनी विवाद का केस कोर्ट में चल रहा है। इसी सिलसिले में वो पिछले 11 साल से कोर्ट लगातार आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो कोर्ट आते हैं तो उन्हें सिर्फ तारीख बता दी जाती है। हर पेशी पर 1500 रुपए का खर्च आता है और पिछले 11 सालों में सिर्फ रुपए ही खर्च हो रहे हैं। उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। हमारा जमीन का विवाद चल रहा है, साथ के जगह वो लोग फरार करके 22 लिखवा लें, लेकिन हमारे नाम जो जमीन बचा उस पर हमको कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। दबंग लोग उस पर दबंगई करते हैं, हमारे 3-4 जानवर भी मर गए, हमको पंडित आन के वहाँ पर रहने, जो हमारी जमीन बाकी बचा है उस पर हमको लोग नहीं बनाने दे रहे हैं। कितने साल से आप मुकदमा? हम भैया 2010 से लड़ रहे हैं, हमको न्याय आज तक मिला नहीं, ना तहसील से मिला ना हमें कचहरी से मिला। तो कैसे गुजरे 11 साल? हम साइकिल से आते हैं और जाते हैं भैया, कभी तरफ बंद कभी गोडा, कम से कम 1500 रुपया हमारा खर्चा लगता है। बताएं, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा मजदूरी करके लिख रहे हैं। कितनी सुनवाई हुई अब तक का? अब भैया कम से कम 100-150 सुनवाई तारीख पड़ी होगी कम से कम। तो मिला क्या आज तक? हमको कोई न्याय नहीं मिला तक यहाँ, सिर्फ तारीख मिलती है। तारीख मिलती रहती है, मैं कुछ नहीं मिलता बस। दरअसल अदालत के फैसले के इंतजार में रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग कचहरी का चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा दीवानी कचहरी में हर माह सैकड़ों वाद दाखिल होते हैं। मामलों के निस्तारण में तेजी न आने से केसों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण लोगों को सिर्फ तारीख ही मिल पाती है। हालांकि गोंडा के एक युवा समाज सेवी ने इन लोगों की मदद के लिए आवाज उठाई है। समाज सेवी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति सहित सीएम योगी के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए समाज सेवी ने निचली अदालतों में लंबित केसों की ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। समाज सेवी अनुराग मिश्र का कहना है कि मुकदमों की पैरवी में ढिलाई और मजिस्ट्रेटों की कमी से मुकदमों का निस्तारण करा पाना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए शासन को मुकदमों के आधार पर न्याय की व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। इन छोटे स्तर की अदालतों में मामलों को कुछ निरंतर सुनवाइयों से अथवा एक सुनवाई से, कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनको एक सुनवाई के माध्यम से ही निस्तारित किए जा सकते हैं, ऐसे मामलों को वर्षों वर्ष 10-10 वर्ष लंबित रखना इस प्रकार की असंवेदनशीलताओं का मैं विरोध करते हुए मैं इसको नियमबद्ध मैं सुनिश्चित करने के लिए मैंने ये ज्ञापन, मैंने मेमोरेंडम, जिसको मैंने जस्टिस प्रेयर फॉर द नेशन का नाम दिया है, मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, माननीय राज्यसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, तथा मैंने कुछ विशिष्ट माननीयों जो इस पर न्याय कर पाने में सक्षम है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, मैं चीफ जस्टिस, मैं इन विषयों पर जो विचार मंथन कर सकते हैं, मैंने ऑनरेबल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को यह ज्ञापन मैंने प्रस्तुत किया है। ये ज्ञापन मैंने राष्ट्र के सभी न्यूज़ चैनल और मीडिया को भी प्रस्तुत किया है। कुछ विशिष्ट छोटे छोटे कारण ऐसे हैं, कारण ये हैं कि न्यायालयों को लंबित करने के लिए अनावश्यक रूप से पक्षों के द्वारा स्थगन की मांग की जाती है, जिसको नियमबद्ध करने की आवश्यकता है। मैंने कोर्ट किया है, मैंने हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ लवानिया जी के एक ऑर्डर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि अनावश्यक रूप से कोई पक्ष स्थगन की मांग करता है तो उन पर हैवी ड्यूटी चार्ज इम्पोज की जाए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी तो मैं इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि न्याय के लंबित होने का मामला पूरी तरीके से समाप्त। आपको बता दें कि जिले के चारों तहसीलों में लंबित मुकदमों की तादाद 40,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। समाज सेवी ने इन केसों के निस्तारण और गरीबों को वक्त पर इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई है। साथ ही समाज सेवी ने इन मांगों के पूरा नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी है। गोंडा से ओमचंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।